बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी जी ब्रह्मानंद महाराज जी, पहला आपसे मेरा सवाल यही होगा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पहले तो ये बताइए क्या अनुभूति है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हलचल? देखिए, अपने घर में बहुत दिन बाद कोई लौट कर के आता है तो उसको कितनी अनुभूति होती है, कितनी आनंद आता है, कितनी खुशी होती है। आज इतने दिनों के बाद जो है भगवान लौट करके अपने घर में आ रहे हैं तो हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में इतनी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि राम जो है, मतलब राम का मतलब ही क्या है कि जो मन में रमा हुआ है, प्रत्येक जन के अंदर रमा हुआ है, उसको राम कहते हैं। क्योंकि हमारा ज्यादातर जो विपक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहा है, लेकिन हमारे रामचरितमानस में देखिए कि भरत जो है सत्ता को छोड़ करके राम के पीछे भाग रहा है जी। राम को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, और आज के जो विरोधी है वो राम को छोड़ करके सत्ता के पीछे भाग रहे हैं जी। ये इतना विरोध कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि भले ही सत्ता छोड़नी पड़े लेकिन राम को प्राप्त कर लें। और आज हमारे राम जी घर में लौट करके आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है और बहुत दिन बाद लौट के आता है तो उसको कितनी खुशी होती है। वही आज हमारे देश, पूरे राष्ट्र को, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को इतनी खुशी हो रही है, भगवान अपने लौट करके अपने घर में आ रहे हैं, इसलिए इसके खुशी का माहौल पूरे देश में छाया हुआ है, सभी लोग आनंद ले रहे हैं, 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जी। और सभी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि वही बैठ करके इस टाइम में जो है भगवान का कीर्तन करो, भजन करो और आनंद की खुशी मनाइए, क्योंकि भगवान लौट करके अपने घर में आ रहे हैं जी। जी, उतनी भीड़ वहां जा करके अगर हो तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश जो है, पूरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म जी, आज इतना जो है जिनके अंदर जो है राम रमा हुआ है जी। आज राम अगर कुछ नहीं होते तो इतने हजारों साल बाद और आज फिर जो है इतना वो किया जा रहा है, तो आखिर कुछ तो राम है कि नहीं है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे स्वागत करना चाहेंगे ब्रह्मानंद महाराज जी, कैसे स्वागत करना चाहेंगे, क्या कथा सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जब भगवान रामलला 22 तारीख को विराजमान होंगे, हालांकि वो विराजमान तो हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो क्या कथा, क्या आपके मन में भाव? भाव यही है कि हमारे हृदय में जो है वो राम रमा हुआ है, सबके मन में राम रमा हुआ है, उस राम का जो है चिंतन करें, कीर्तन करें, भजन करें, घर घर जो है एक खुशी का माहौल होना चाहिए, खुशियां मनाएं, जैसे दीपावली मनाई जाती है जी। उसी हिसाब से अब फिर से देश में जो है 22 तारीख को एक दीपावली जैसा माहौल होना चाहिए जी। तो ब्रह्मानंद महाराज जी, हमारे दर्शकों को अपने कुछ प्रसंग जो आपके प्रसिद्ध हैं, हालांकि हर कथा आपका प्रसिद्ध है, हम राम भक्त बड़े ही कह लीजिए कि मंत्रमुग्ध होकर आपकी कथा को सुनते भी, हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ प्रसंग, कुछ कथा आपके पास? देखिए, रामचरितमानस में कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, कि धर्म की जो हानि शब्द कहा है, गीता में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां ग्लानि शब्द आया है, हानि जो है धर्म की हानि के लिए कह रहे हैं, लेकिन धर्म की कभी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म क्या है, राम विग्रहवान धर्म, राम ही स्वयं धर्म है, अब राम की कौन हानि कर सकता है, राम की हानि करने वाले खुद मर गए लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया जी। राम एक ऐसे आदर्श है हमारे सनातन धर्म के, जिस समय भगवान राम जो है वनवास करके जब लौट करके गए थे तो मां कौशल्या उनको भोजन कराते हुए पूछ रही है कि बेटा, रावण तो इतना पराक्रमी था कि चलत दशानन दौलत अवनी, जिस समय चलता था धरती कांपती थी, तेरे कोमल कोमल हाथ हैं, तूने उस रावण को मारा कैसे जी। भगवान राम ने कहा कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा। तो माँ कौशल्या ने पूछा, तो किसने मारा? तो भगवान राम ने कहा कि रावण को मैंने मारा। कौशल्या ने कहा, अभी तो कह रहा था कि मैंने नहीं मारा, मैं अब भी कह रहा हूं मैंने नहीं मारा, तो किसने मारा? रावण को मैंने मारा, यानी उसकी मैंने उसको खत्म किया, मैं अहंकार, उस अहंकार ने रावण को खत्म किया है, रावण को मैंने नहीं मारा। व्यक्ति अपने अभिमान में और अहंकार में ही नष्ट हो जाता है। अहंकार जिसने किया, रहा न उनका वंश, और सच नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस जी। ये सब प्रमाण है तीनों, जिन्होंने अहंकार किया
और वो नष्ट हो गए जी। राम राम एक ऐसी चीज है, जैसे देखिए कि हनुमान जी जिस समय लंका में गए थे तो प्रभु मुद्रिका में माई चलत लांघ गए अचरज नाई जी, यानी मुद्रिका मुख में धारण करके वो समुद्र को पार कर गए थे। समुद्र क्या है, ये संसारी समुद्र है, इसको पार करने के लिए किसी ने कहा कि मुख में रखने की चीज तो है नहीं ये मुद्रिका, आपने मुख में क्यों रखी। हनुमान जी ने कहा मुद्रिका मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन मुद्रिका पे जो अंकित है वो तो मुख में रखने की चीज है, बोल क्या अंकित है, बोल राम नाम। अगर जिसके मुख में राम का नाम है वही संसार सागर से पार हो सकता है, बिना राम के नाम से संसार सागर को बिल्कुल पार नहीं बिल्कुल कर सकता। बिल्कुल ब्रह्मानंद महाराज जी, ये ऐसा अवसर है कि हम सभी को तमाम जो दुख दर्द है, तमाम जो एक ऐसी कह लीजिए कि ऐसी क्लिष्टता है, उसे भुलाकर इस माहौल में हम सभी को रम जाना चाहिए। कोई भी विरोधी स्वर जो है वो नहीं उठना चाहिए। लेकिन ब्रह्मानंद महाराज जी, क्योंकि बाल रूप की पूजा की जाएगी, उस बाल रूप को आप अपने कथा में किस तरह से प्रस्तुत करना चाहेंगे, जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए बाल रूप भगवान का जो है वहाँ जो है जन्मस्थली है भगवान राम की, बाल रूप में वहाँ पूजे जाते हैं। बाल रूप में ही हमारे जो है सबसे बड़े कथावाचक रहे शंकर भगवान, सबसे बड़े कथावाचक रहे काकभुसुंड जी, ये दो प्रतिष्ठित जो है एक उच्च कोटि के कथावाचक रहे राम कथा जी। लेकिन दोनों जब राम कथा करते हैं तो कौन से राम को वंदन करते हैं जी? जी वनवासी राम को नहीं, धनुष्मान लिए राम को नहीं, सी शादीशुदा राम को नहीं, बंदो बाल रूप सोई रामू जब सब। अब साफ साफ कह रहे हैं वो कि केवल चाहे शंकर भगवान हो चाहे काकभुसुंड हो जी। ब्रह्मानंद महाराज जी, समय की कमी है, इसी के कारण मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए कि हम सभी को ये जो मैं रूपी अहंकार है उसे त्याग कर इस राममय माहौल में रम जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।